हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल स्टडी विद राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश अति शिक्षक भर्ती को लेकर दोस्तों फिर से GFMS पोर्टल पर नया अपडेट आ चुका है, बड़ी अपडेट है दोस्तों। पोर्टल पर जरूर सभी कैंडिडेट जितने भी हैं, जिनको अभी शाला आवंटन नहीं हुए हैं, जिनके स्कोर 200 प्लस से कम हैं, तो उनके लिए दोस्तों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें। ऑल ओवर इंडिया लेवल से देख लें, पोर्टल पर नया जो अपडेट आया, लोक शिक्षण संचालन मध्य प्रदेश गौतम नगर की तरफ से भोपाल दिनांक 4/9/2024 को ये पब्लिक किया गया है। यहाँ पे नोटिफिकेशन के अनुसार दोस्तों देख लें, अति शिक्षक हेतु GFMS पोर्टल पर कार्यवाही के संबंध में शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अति शिक्षकों की व्यवस्था हेतु आवेदकों द्वारा GFMS पोर्टल पर किए गए पंजीयन विवरण में दर्ज शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता तथा मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 एवं उसके उपरांत उत्तीर्ण की जानकारी का सत्यापन तथा एवं आवेदकों द्वारा शाला विकल्प चयन तथा संशोधन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। फिर से दोस्तों इनके अलावा बात करें, स्कोर कार्ड की कार्रवाई हेतु आवेदकों को यह अंतिम अवसर दिया जा रहा है। जो सारणी जो निम्नानुसार दी गई है, जिन आवेदकों का किसी कारणवश स्कोर कार्ड हेतु आवेदन में दर्ज योग्यता का सत्यापन नहीं हो सका, ऐसे आवेदकों हेतु संकुल प्रचार द्वारा GFMS पोर्टल पर सत्यापन कराना 11/10/2024 को। इनके अलावा बात करें, आवेदकों द्वारा दर्ज मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 इसके उपरांत उत्तीर्ण की जानकारी संकुल प्रचार द्वारा GFMS पोर्टल पर सत्यापन 11/10/2024। इनके अलावा दोस्तों बात करें, आवेदकों द्वारा GFMS पोर्टल पर शाला विकल्प का चयन 12/10/2024 को करा किया जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट हो इन नोटिफिकेशन को जरूर से जरूर देख लें और अपने संशोधन करा लें।